देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती सिवान में 25 मई को वोटिंग होनी है। सभी प्रत्याशियों ने अपने अपने पर्चे भर दिए हैं। एनडीए की तरफ से जदयू के खाते में यह सीट आई है, जिसकी उम्मीदवार हैं पूर्व विधायक रमेश सिंह कुशवाहा की पत्नी विजय लक्ष्मी कुशवाहा, जबकि राजद की तरफ से प्रत्याशी हैं बिहार के पूर्व स्पीकर अवध बिहारी चौधरी। इंडिया ब्लॉक की तरफ से यह सीट राजद के खाते में आई है। तीसरी यहाँ की मजबूत प्रत्याशी हैं हिना साहब। हिना साहब सिवान के पूर्व सांसद और बाहुबली रहे शहाबुद्दीन की पत्नी हैं। कुछ लोग इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि इस बार सिवान में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है, लेकिन आज मैं अपने वीडियो के जरिए यही बताने की कोशिश करूंगा कि फिलहाल इस समय सिवान में त्रिकोणीय मुकाबला नहीं हो रहा है और नहीं हो सकता। इसकी वजह क्या है हम बताएंगे आज आपको अपने इस वीडियो के जरिए विस्तार से, और यह भी बताएंगे कि कौन सा प्रत्याशी किस पर पड़ रहा है भारी, और साथ ही साथ यह भी आपको बताएंगे कि बिहार की ऐसी कौन सी दो सीटें हैं जहां पर त्रिकोणीय मुकाबले देखने को मिल रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं शंकर विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं सहारा समय का डिजिटल प्लेटफॉर्म। 2019 की लोकसभा चुनाव में सिवान के 204,822 वोटरों ने ऐसे प्रत्याशियों को वोट किया था जिनमें जदयू, राजद और सीपीआई माले को छोड़कर किसी भी प्रत्याशी की जीत की संभावना दूर दूर तक नहीं थी। उस चुनाव में कुल 20 प्रत्याशियों में से आधे से ज़्यादा प्रत्याशियों को नोटा से भी कम वोटें मिली थीं, लेकिन इस बार शायद वैसा नहीं होगा, क्योंकि इस बार का लोकसभा चुनाव कुछ अलग है। पूरे देश के उस राज्यों को छोड़ दें तो राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर की जो पार्टियां हैं वो दो गठबंधनों में बट गई हैं। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी एनडीए, जिसका नेतृत्व बीजेपी कर रही है, उसके साथ कुछ पार्टियां मिल गई हैं, तो वहीं कुछ पार्टियां इंडिया ब्लॉक के साथ हैं। पूरे देश के वोटरों ने यह मन बना लिया है कि उन्हें या तो एनडीए के साथ रहना है या फिर इंडिया ब्लॉक के साथ। ऐसे में इस बार निर्दलीय प्रत्याशियों के हाथ निराशा ही लगेगी। जैसा कि हमने ऊपर बताया है कि पिछले चुनाव में 204,822 वोटरों ने उन प्रत्याशियों को वोट किया था जिनके जीतने की संभावना ना के बराबर थी। हालांकि यह सबको पता है कि कुछ निर्दलीय प्रत्याशी इसलिए चुनाव लड़ते हैं कि लोग उन्हें जान सकें, जबकि बहुत से निर्दलीय प्रत्याशियों को बड़े दलों के प्रत्याशी जानबूझकर चुनाव लड़ते हैं ताकि उन्हें फायदा मिल सके। खैर, आगे बढ़ने से पहले आइए जान लेते हैं कि सिवान लोकसभा क्षेत्र की जातीय समीकरण क्या है। 2019 के लोकसभा चुनाव में यहां कुल 17,99,551 वोटरों ने वोट किया था। इस बार संभव है कि 25 या 50,000 वोटें बढ़ गई हों। यहां पर मुस्लिम मतदाताओं की संख्या लगभग 3,00,000 के बराबर है। यादव मतदाता लगभग 2,50,000 है। कुशवाहा वोटर 1,25,000 के आसपास, जबकि सवर्ण वोटरों की संख्या लगभग 4,00,000 के आसपास है। वहीं आर्थिक रूप से पिछड़े हुए वोटरों की संख्या 2,50,000 के करीब है। इन आंकड़ों में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। चलिए पहले बात करते हैं जदयू प्रत्याशी विजय लक्ष्मी कुशवाहा की। ऐसा माना जाता रहा है कि सिवान की सवर्ण बिरादरी बीजेपी की वोटर रही है। हालांकि जब शहाबुद्दीन चुनाव लड़ा करते थे तो वहां की स्वर्ण बिरादरी और मुस्लिम समाज के वोटरों की बदौलत ही वह सांसद बना करते थे, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद स्वर्ण बिरादरी का झुकाव बीजेपी की तरफ ज़्यादा हो गया।
इन सब के बावजूद सिवान के वोटरों के मिजाज का अंत तक कुछ पता नहीं चलता। लेकिन जहां तक विजय लक्ष्मी की बात है तो यह संभव है कि उन्हें अपनी बिरादरी की वोटें अधिक से अधिक संख्या में मिल जाए। सवर्ण बिरादरी अभी तक गफलत में है, उनका झुकाव हिना साहब के प्रति ज़्यादा है। यह तय है कि अगर स्वर्ण बिरादरी ने जदयू प्रत्याशी को वोट नहीं किया तो वह किसी भी सूरत में चुनाव नहीं जीत सकती हैं। यह बात उन्हें भी पता है और बीजेपी और जदयू के नेताओं को भी पता है। ऐसे में बीजेपी और जदयू के बड़े नेता सिवान में डेरा डालना जरूर शुरू करेंगे। बीजेपी और जदयू के बड़े नेता स्वर्ण बिरादरी के वोटरों को समझाने की कोशिश करेंगे, उन्हें रिझाने की कोशिश करेंगे और शायद यह बताने का कोशिश करेंगे कि अगर मोदी को दोबारा देश का प्रधानमंत्री बनाना है तो सिवान से जदयू प्रत्याशी को जिताना जरूरी होगा। यानी जदयू की प्रत्याशी की जीत पूरी तरह स्वर्ण बिरादरी के वोटों पर ही निर्भर है। अब बात करते हैं राजद प्रत्याशी अवध बिहारी चौधरी की। आगे बढ़ने से पहले एक बात बता दें कि 2019 के चुनाव में सिवान की वर्तमान सांसद जदयू की कविता सिंह को 448,473 वोटें मिली थी। राजद प्रत्याशी हिना साहब को 331,515 वोटें हासिल हुई थी, जबकि भाकपा माले के उम्मीदवार को 74,644 वोटें मिली थी। यानी कविता सिंह लगभग 116,000 वोटों से चुनाव जीत गई थी। अगर उस चुनाव में भाकपा माले का साथ हिना साहब को मिल गया होता तो शायद हिना साहब के फेवर में बात बन सकती थी। जैसा कि हमने ऊपर की लाइनों में बताया है कि इस बार देश के अधिकांश वोटर दो विचारधाराओं में बंट चुके हैं। जहां तक मुस्लिम वोटरों का सवाल है तो वह इस बार शायद हिना साहब के साथ नहीं जाना चाहेगा। सिवान के मुस्लिम वोटरों का हिना साहब के प्रति हमदर्दी हो सकती है, लेकिन उन्हें अच्छी तरह से पता है कि यह चुनाव किसी व्यक्ति विशेष के प्रति आदर या सम्मान देने का नहीं है बल्कि देश का चुनाव है। अगर यही भावना सिवान के मुसलमानों में बनी रही तो मुस्लिम वोटरों का झुकाव राजद प्रत्याशी के पक्ष में हो सकता है। दूसरा वोटर है यादव, जो निश्चित तौर पर राजद के साथ ही जाना चाहेगा। जैसा कि हमने पहले बताया कि भाकपा माले पिछले चुनाव में अकेले लड़े थे, लेकिन इस बार वो इंडिया ब्लॉक के साथ है। ऐसे में भाकपा माले की वोटें भी अवध बिहारी चौधरी को ज़्यादा मिल सकती हैं। अन्य पिछड़ी जातियों और दलित समुदाय के वोटर कहीं भी जा सकते हैं। इनकी वोटें अवध बिहारी चौधरी और विजय लक्ष्मी कुशवाहा दोनों को मिल सकती हैं। राजद के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि सिवान की 6 विधानसभाओं में से 5 पर गठबंधन के ही विधायक हैं, जबकि एक विधायक भाजपा का है। सिवान सदर पर राजद के अवध बिहारी चौधरी, जीरादेई से भाकपा माले के अमरजीत कुशवाहा, दरौली से भाकपा माले के सत्यदेव राम, रघुनाथपुर से राजद के हरिशंकर यादव, बड़हरिया से राजद के ही बच्चा पांडे, जबकि दरौंदा विधानसभा क्षेत्र से एकमात्र विधायक करणजीत सिंह उर्फ ब्यास सिंह हैं। कागजों पर देखें तो अवध बिहारी चौधरी की स्थिति सबसे मजबूत दिखाई देती है, लेकिन जैसा कि हमने बताया कि वोटिंग के दिन तक सिवान के मतदाताओं का विचार बदल जाता है, ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है। लिहाजा स्वर्ण बिरादरी के वोटरों ने अगर एक तरफा मन बना लिया तो विजय लक्ष्मी कुशवाहा बाजी मार भी सकती हैं। अब जैसा कि हमने पहले बताया कि बिहार की कौन कौन सी दो सीटें हैं जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला है, तो उसमें पहली सीटें हैं बिहार की काराकाट। काराकाट से पूर्व मंत्री उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के प्रत्याशी हैं, जबकि भाकपा माले ने राजा राम सिंह कुशवाहा को अपना उम्मीदवार बनाया है। दोनों ही प्रत्याशी कुशवाहा यानी कोयरी बिरादरी से बिलोंग करते हैं। भोजपुरी के जाने माने गायक और अभिनेता पवन सिंह ने वहां से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में
चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है और अपना नामांकन भी कर दिया है। उनकी सभाओं में अन्य नेताओं से ज़्यादा भीड़ उमड़ रही है। पवन सिंह दोनों प्रत्याशियों को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। दूसरी सीट है बक्सर, यहां से सुधाकर सिंह बतौर राजद प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, जबकि बीजेपी ने मिथिलेश तिवारी को अपना उम्मीदवार बनाया है। तीसरे प्रत्याशी हैं आनंद मिश्रा, जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। आनंद मिश्रा पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं। उन्होंने मात्र 13 वर्ष की नौकरी करने के बाद स्वैच्छिक रिटायरमेंट ले लिया था। आनंद स्थानीय हैं, बेदाग छवि वाले हैं, तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी रहे हैं। बक्सर के लोग बहुत दिनों से किसी स्थानीय व्यक्ति को अपना प्रत्याशी देखना चाहते थे। आनंद ने वहां से पर्चा भरकर उनकी उम्मीदें जगा दी हैं। बीजेपी के वर्तमान सांसद अश्विनी चौबे भागलपुर के रहने वाले थे, जबकि मिथिलेश तिवारी गोपालगंज के हैं। बक्सर में ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या सबसे ज़्यादा है। ऐसे में आनंद ने वहां बीजेपी प्रत्याशी की चिंताएं बढ़ा दिए हैं। यह सबको पता है कि पवन सिंह और आनंद मिश्रा अगर चुनाव जीत जाते हैं तो वो बीजेपी का ही समर्थन करेंगे, क्योंकि दोनों प्रत्याशी पीएम मोदी की तारीफ करते रहते हैं। इन दोनों प्रत्याशियों के बीजेपी और मोदी प्रेम को दोनों क्षेत्रों के वोटर भी अच्छी तरह जानते हैं। ऐसे में अगर यह दोनों प्रत्याशी चुनाव जीत जाते हैं तो कोई आश्चर्य वाली बात नहीं होगी। आज हमने अपने वीडियो के जरिए वही बताने की कोशिश की है जिसकी संभावना सिवान में बनती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, चुनाव में हार जीत किसी की भी हो सकती है, लेकिन फिलहाल सिवान में त्रिकोणीय मुकाबले होने के आसार बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहे हैं। हमारी किसी भी प्रत्याशी से न तो दोस्ती है और न ही दुश्मनी। वहाँ के वोटरों को तय करना है कि उनका सांसद कैसा और कौन होगा। अगर हमारी यह रिपोर्ट आपको अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और हमारा यह वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। नमस्कार।